पेत्रुस एवं संत पौलुस के महामंदिरों के प्रतिष्ठान पर भी। आज कलीसिया सबसे पुराने और सबसे महान दो महामंदिरों के प्रतिष्ठान पर्व की याद करती है। इन दोनों महामंदिरों के नींव कलीसिया के प्रथम सदी के उस मिट्टी में गहराई में लगे हुए हैं, जहां शहीदों के खून गिरे थे। 1626 में संत पेत्रुस के महामंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आज के इस हालात में उसे बनाने के लिए पूरे 100 साल लगे। संत पेत्रुस का ये महामंदिर उनके कब्र के ठीक ऊपर बना हुआ है। संत पौलुस का महामंदिर 1823 में एक भीषण आग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। उसे पुनर्निर्माण करते हुए 1856 में उसकी पुनः प्रतिष्ठा की गई। इन दोनों महामंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने वाला गलियारा रोम में काफी प्रसिद्ध है। दुनिया के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी मौसम में किसी भी परेशानी के बगैर एक मंदिर के दर्शन करने के बाद दूसरे मंदिर तक जाने की सुविधा है। दुनिया भर के धर्माध्यक्ष लोग हर 5 साल में एक बार संत पेत्रुस और संत पौलुस के महामंदिर के दर्शन करते हैं और उनके कब्र पर प्रार्थना करते हैं। आद लिमिना अपस्तोलोरम नामक इस दर्शन के दौरान वे इन दोनों शहीदों के कब्र पर जाते, प्रार्थना करते, साथ ही साथ संत पापा से मुलाकात करते हैं। संत पेत्रुस और पौलुस मसीह में विश्वास करते हुए, मसीह के शिक्षा के प्रचार करते हुए शहीद हुए। इनके और अन्य कई शहीदों के वजह से, उनके खून बहाने के वजह से कलीसिया का विकास हुआ है। हर शहीद जिन्होंने अपना खून बहाया वो कलीसिया का विकास के कारण बना है। संत पेत्रुस एवं संत पौलुस रोम शहर के सारसक संत माने जाते हैं। हम इन दोनों शहीदों के नाम पर स्थित महामंदिरों का प्रतिष्ठान पर्व मनाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें, इन दोनों शहीदों के जैसे अपने जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करने, उस जीवन के द्वारा आने वाले हर परेशानी को खुशी से झेलने और ईश्वर के राज के प्रचार के लिए प्रार्थना करने के लिए हम कोशिश करें।